हे जो सरल। शास्त्री जी की बुरी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। पूरी ताकत से खींचो निशंक बेटे, छोड़ना नहीं। वो प्रेत कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके भीमकाय देह के गिर्द रक्षा सूत्र के अनगिनत फेरे पड़ चुके थे। भागा, भागा, बुढ़े, मैंने तेरी जान बख्श दी थी और तू मेरा ही बंदोबस्त करने चला है। हरामखोर, क्या है? मैथुन रथ कोई शेर जैसे छेड़ देने पर भड़क उठता है। प्रेत ने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया की। इस विघ्न से क्रोधित होकर वो चिंघार उठा। जब तक वो पलटता, अभिमंत्रित रक्षा सूत्र के कई घेरे उसके देह से लिपट चुके थे। किसी बोल्डर की मानिंद बड़ी मुश्किल से वो घूमा और रोशनी को जमीन से कुछ ऊपर ही छोड़ दिया। रोशनी भर भरा कर नीचे गिर पड़ी। आरजे पल्लवी पॉडकास्ट के सारी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और सुनते रहिए हमारे साथ आज सत्यदीप त्रिवेदी जी की लिखी हुई कहानी बंद दरवाजा और अतृप्त वासना का लास्ट एपिसोड। दोस्तों, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और इसका लास्ट एपिसोड अब आप लोगों के सामने आ चुका है, तो एंजॉय कीजिए और कान में हेडफोन लगा के एकदम इसका दूसरी दुनिया में खो जाइए और डरने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, सत्यदीप त्रिवेदी जी एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं। अगर आप उन लोग उनका स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं, आपको सुनने के साथ साथ पढ़ने का भी शौक है, तो आप प्रतिलिपि ऐप में जाके उनका स्टोरीज पढ़ सकते हैं। वो बहुत किस्म की स्टोरीज लिखते हैं, हर किस्म की स्टोरीज लिखते हैं, हॉरर, थ्रिलर, सस्पेंस, एडवेंचरर्स, लव, हर किस्म की स्टोरीज वो लिखते हैं। तो अगर आप लोग पढ़ने का शौक रखते हैं तो प्लीज आप लोग जाके सत्यदीप जी को ऑब्वियसली फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी हूं। तो चलिए दोस्तों, आज देरी नहीं करके अभी शुरू करते हैं जो आज की कहानी है, क्योंकि कहानी थोड़ी लॉन्ग है और लास्ट में आप लोगों को मेरा नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना है, तो इसलिए टिल द एंड तक देखिएगा जरूर। और तब तक के लिए कान में हेडफोन लगा लीजिए और सुनते रहिए आज की सत्यदीप त्रिवेदी जी की लिखी हुई कहानी बंद दरवाजा और अतृप्त वासना का लास्ट एपिसोड। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर जितना हो सके कर दीजिए मेरे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं देरी नहीं करके आज की कहानी सत्यदीप त्रिवेदी जी की बंद दरवाजा और अतृप्त वासना का लास्ट एपिसोड। गजेंद्र, आचार्य के मुंह से पहली मर्तबा इतनी ममतामयी पुकार सुनकर प्रेत सकपकाया। बेटे, आज मुझे भी यह एहसास हुआ कि तेरे पिता ने, तेरे भाई ने तेरे साथ भेदभाव किया था, तो उनसे कुपित है, होना भी चाहिए। पर बेटे, जरा ये भी तो सोच कि आत्मा चाहे सविता की हो, पर ये शरीर जिस पर तू अनाधिकार कर रहा है, जिसकी इतनी दुर्गति कर रहा है, वो शरीर तो आखिर रोशनी बहू का है। और रोशनी केवल एक शरीर मात्र नहीं है, एक पत्नी है, एक माँ है, एक बेटी है, एक मौसी है। तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया ना इस शरीर के। आचार्य जी ने अपने दाहिने हाथ से रोशनी की तरफ संकेत किया। इस शरीर के रोम रोम का बलात्कार किया है तूने, सरल की आंखों के सामने तूने, ये क्या ठीक बात है? आचार्य जी रोशनी की लाल लाल आंखों में देखकर धरा प्रभाव बोले जा रहे थे। सरल उठा, उनका मुंह ताक रहा था। मुझे बढ़ाने का प्रयास मत कर बुड्ढे,
इसी बदन को भोगने की लालसा में पिछले 70 वर्षों से इस अंधकूप में पड़ा था मैं। अब मुझे नैतिकता के प्रवचन मत दे। वो ईंट के बोला, अभी तेरा समय शेष है, अभी कुछ दिन और टिक जाएगा तू, और अपनी खैरियत चाहता है तो अपना ये ताम जाम समेट ले और धोती उठा के भाग जा यहाँ से, और अपने इस रोशनी ने दहकती हुई आवाज में निशंक को लक्ष्य किया, अपने इस लंगोटे को भी ले जा साथ में। अब ये शरीर ही मेरा घर है, क्योंकि मेरे कमरे पर तो तूने ताला जड़ दिया है। एक रहस्यमय हंसी हंसते हुए रोशनी ने उस दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिसे दोनों आचार्यों ने मंत्रों की मदद से बंद कर दिया था। जब तक रोशनी का यौवन शेष है, इस शरीर पर मेरा ही अधिकार है। जब इसकी उम्र ढलने लगेगी और ये मेरे काम लायक नहीं रहेगी, उसके बाद मैं सविता को इस शरीर से छुटकारा दिला दूंगा। ये सुनते ही सरल सहम गया। वो अच्छे से जानता है कि छुटकारा दिलाने का अर्थ क्या है। काम तो एक भौतिक शारीरिक इच्छा है गजेंद्र, सांसारिक इच्छा है। इसी संसार में इस नश्वर देह का नाश हो जाना है, पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग से किसी अबला पर इतने अत्याचार करना कहां तक सही है गजेंद्र? अचानक सभी ने देखा कि रोशनी का शरीर अब कुछ ढीला पड़ने लगा है। रोएं गिरने लगे, चेहरा शीतल पड़ने लगा, उसकी आंखें सामान्य अवस्था में लौटने लग गई थी, वातावरण में ठंडक भी कम होने लगी। निशंक और सरल ने चैन की सांस ली। आचार्य जी की घुट्टी काम करती दिखाई दे रही थी। आखिर तुम भी तो इसी कुल खानदान के हो, ये क्या तुम्हारी पुत्र वधु नहीं? तुम्हें तो बचपन से ही माँ का प्यार नहीं नसीब हो सका, पर राजू के बारे में तो सोचो, उसकी क्या अवस्था है अभी? ऐसी कड़वी बातें उसके बाल मन पर क्या छाप छोड़ेगी? आचार्य जी अपनी जगह छोड़कर उठ खड़े हुए। पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक तभी आचार्य श्यामलदास शास्त्री ने अपना बायां पैर उस सुरक्षा घेरे से बाहर रख दिया, जिस पर उनके जीवन का आधार टिका था। जब तक निशंक उन्हें पकड़ सकता, बात की बात में वो घेरे से कुछ दूरी पर रोशनी के ठीक सामने खड़े थे। आचार्य को निर्भयता पूर्वक अपनी तरह बढ़ता देखकर रोशनी भी उठकर खड़ी हो गई थी। आचार्य ने उसका कोमल हाथ, जो कि पैशाचिक लीला से कपकपा रहा था, उस हाथ को बढ़कर अपने हाथों में ले लिया। हम तुझे अब जीवन दान तो दे नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं। तूने अपनी अपंग देह पर बहुत कुछ सहा है, ये मैं भी जानता हूं। तेरा जो कुछ भी तुझसे छीना गया, तो सब कुछ हम लौटा नहीं सकते। हाँ, अगर तू चाहे तो क्या? रोशनी की भट्टी जैसी आंखों में अनगिनत सवाल तैरने लगे। तो तेरा उद्धार अवश्य कर सकते हैं। जय महाकाल! इसी गूंज के साथ आचार्य जी का दाहिना हाथ ऊपर हवा में लहराया, और इससे पहले कि रोशनी कुछ समझ पाती, एक सिद्ध नींबू आकर रोशनी के माथे पर फूट गया। रोशनी अपनी पूरी ताकत से चीखी, क्रोध में जोरदार गर्जना हुई, सबके सब सहम गए, दीवारें दलक गई, सीलिंग पर लटका हुआ पंखा डोलने लगा। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई छोटा मोटा भूकंप आ गया हो। बुढ़े हरामजादे, दिखा देना अपनी ही ओ, 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 ओ। इससे ज्यादा कुछ वो बोल ही ना सकी, उसे उल्टियां होने लग गई। पंडित, रोशनी गुर्राई, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसका बेजान बदन निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ा।
उसके पहले मैं तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा गजेंद्र। श्यामलदास शास्त्री कोई मिट्टी का शेर नहीं है, तो जैसे कईयों को भस्म कर डाला हमने। आचार्य ने रोशनी को बालों से पकड़कर एक झटका दिया और खींचते हुए लेकर सुरक्षा घेरे की तरफ चले। रोशनी का सुंदर बदन उल्टियों में लोट गया। आचार्य की कलाई में रक्षा सूत्र था, गले में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला और हृदय में भगवान का बास। रोशनी ने एक बार उनको लपक कर पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ जलते जलते बचा। रोशनी कभी भूखी शेरनी की तरह दहाड़ती तो कभी कसाई के हाथ में पड़े मुर्गे की मानिन चीख पड़ती, लेकिन इस मजबूत पकड़ से निकल सकना उसके बस की बात नहीं थी। कोई मजदूर जैसे शक्कर के बोरी को घसीटता है, शास्त्री जी वैसे ही बेरहमी से उसे घसीटे जा रहे थे। रेशमी आंचल जमीन पर फिसल रहा था, ब्लाउज की बारीकियों से उसका यौवन झलकता था। एक हाथ से उसने अपने बाल पकड़ रहे थे और दूसरे हाथ से जमीन पर जोर जोर से मारती जाती थी। कलाई की बची खुची चूड़ियां भी टूट गई थी। इस समय का दृश्य ऐसा था मानो दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को प्रताड़ित कर रहा हो। निशंक शास्त्री भी अपने निर्भीक पिता के इस साहस पर गर्व से फूले मुस्कुरा रहे थे। अपनी पत्नी को इस दशा में देखने के बावजूद सरल ने राहत की एक सांस ली, उसके चेहरे पर संतोष था। मम्मी, यही वो क्षण था जब राजू की नींद खुली। इसे भी अभी उठना था। होश संभालते ही राजू की नजर सबसे पहले अपनी माँ पर पड़ी। उसकी कोमलांगी माता को पंडित जी बालों से पकड़कर खींच रहे हैं और पापा बैठे देख रहे हैं। जाहिर है ऐसी हालत में अपनी माँ को देखकर वो हड़बड़ा गया। बच्चा अपनी माँ के बचाव में बाहर की तरफ लपका। अचानक सब कुछ जैसे थम सा गया, सबकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। आचार्य जी चिल्लाए, सुरक्षा घेरे से बाहर उसकी रक्षा कौन करेगा? अपनी तरफ बढ़ते निष्कवच राजू को देखकर रोशनी की बांझे खिल गई। ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी वो, तो उसके मुर्दा शरीर में अचानक जान आ गई। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी और होठों पर नीचता उतर आई। वो दहाड़ती हुई राजू की तरफ उछली। राजू, सरल चिल्लाया। सब कुछ स्थिर था, अगले ही पल एक अनहोनी घटने वाली थी। अपनी हार से तिलमिलाया हुआ प्रेत 12 वर्षीय एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगले ही क्षण हम देखेंगे कि राजू की कोमल देह पर शैतानी चोट का क्या प्रभाव होगा। राजू की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन भय था, संशय था और क्रोध भी था। बाहें फैलाकर वो अपनी माँ की तरफ दौड़ा चला आ रहा है। पंडित की बाहुपास से छुटकर रोशनी भी उसकी तरफ लपकी। एक जोरदार टक्कर हुई। राजू उछला और उड़ता हुआ वापस घेरे में आके गिर पड़ा। रोशनी का झूमता हुआ बदन आचार्य श्यामलदास शास्त्री से आकर टकरा गया। एक जोरदार धक्के से आचार्य जी ने राजू को वापस अंदर धकेल दिया था और अब उन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़े थे। रोशनी की देह का समूचा भार उनके कमजोर अधनंगे शरीर पर आ टिका। राजू घेरे के अंदर सरल की बाहों में सुकुशल था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि थोड़ी देर बाद जाकर सबको समझ में आया कि आचार्य ने बच्ची की रक्षा हेतु अपना बलिदान किया है। अचानक ये परिवर्तन देखकर रोशनी पहले तो चौंक उठी, फिर सिर हिला हिला कर हंसने लगी। खुराफती हंसी। उसकी खुशी उसकी खिलखिलाहट बता रही थी कि उसके हाथों में कैसा खजाना लग गया है।
आचार्य के कंधों पर हाथ रखकर वो हंसते हुए उनकी कोशकायिक देह का मुआवना कर रही थी। आचार्य जी यूं तो अपनी वृद्धावस्था के बावजूद तन कर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों के लाचारी बता रही थी कि वो साक्षात मृत्यु के सम्मुख खड़े हैं। अभी 2 मिनट पहले तक जिसे वो बालों से घसीटे ले जा रहा था, अब वो उसके ही रहमो करम पर खड़े हैं। अब तो ये वक्त बताएगा कि वो उनका क्या हश्र करने वाली है। पंडित, मैं बड़ा दिलेर निकला, तू तो उस पिल्ले को बचाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। इतनी भी क्या दिल लगी है तेरी इस घर से, घर वालों से अपनी जान दांव पर लगा दी। अब तो गया तू साले काम से। मेरा उद्धार करेगा तो बोल, मेरा उद्धार करेगा ना तो? रोशनी चिल्लाई। उसका गुस्सा, उसकी हताशा, उसके तिल मिलाहट और उसका प्रतिशोध सब कुछ एक साथ उसकी आवाज में उतर आया। मारे क्रोध के उसका शरीर कांपने लगा। आचार्य के नाजुक गर्दन को रोशनी ने अपने मजबूत हाथों में कस लिया। मेरा उद्धार करेगा तू? बोल, मेरा उद्धार करेगा तू? मौत के पंजे कसते चले जा रहे थे। शंक से देखा ना गया। सरल तो खुद एक बच्चे का पिता है, रक्षा को प्रतिबद्ध है, पत्नी को लेकर पहले से परेशान है। वो निसहाय सा आंखों में आंसू भरे इस खौफनाक मंजर को केवल देख भर सकता है। पर निशंक तो पुत्र है, इकलौते बेटे की नजरों के ठीक सामने बाप की ऐसी दुर्दशा हो तो बेटा बैठा कैसे रहेगा? निशंक ने जाप रोक दिया और बाप को इस चंगुल से बचाने के लिए फुर्ती से उठ खड़े हुए। नहीं 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 बेटा, जाप रुकना नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से वो बोल पा रहे थे। कंठ दबने से उनका दम घुटने लगा था और आवाज अवरुद्ध होने लग गई थी। निशंक ने देखा कि सांस अटकने से उनके कदम भी लड़खड़ा रहे हैं। ना चाहते हुए भी मन मारकर उसे वापस बैठना पड़ा। उसके पिता उसकी आंखों के सामने मरने की कगार पर है और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। कोई दूसरा रास्ता ना पाकर अनमने ढंग से वो फिर से जोर जोर से जाप करने लगा। आचार्य जी की आंखों की पुतलियां फैलने लगी और सांस के लिए वो किसी जल बिन मछली के भांति तड़पने लगे। उनका बुढ़ा शरीर निढाल पड़ गया था। प्रेत के जंगल से छुटने के उनके प्रयास अब छीन पड़ते जा रहे थे। अब उनके अंदर छटपटाने की ताकत भी नहीं बची थी। काशी विद्यापीठ से संस्कृत स्नातक और प्रेतवाधा की सिद्ध हस्त 80 वर्षीय वयोवृद्ध के प्राण पखेरू अब किसी भी क्षण उड़ने वाले थे। जैसे उम्र भर सांपों से खेलने वाला सपेरा अंत में किसी सांप के काटने से ही मर जाता है, इस समय ठीक वैसे ही दशा थी आचार्य श्यामलदास शास्त्री की। क्या विरंबना है कि जिस प्रेत को मुक्ति दिलाने के लिए वो इस घर में आए थे, वही प्रेत उन्हें मुक्ति देने वाला है। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। बुझती हुई आंखों से उन्होंने देखा कि कुपित नेत्रों से रोशनी उनकी तरफ ही देख रही है। एक पल के अंतर में ही मृत्यु से मिलने वाले आचार्य की आंखों में ना रहम की भीख थी, ना भय का नामो निशान था। वो एक अदद सांस के लिए तड़प रहे थे, इसके बावजूद वो प्रेत भी आंखों से आंख मिलाकर खड़े थे। एक कर्णभेदी चित्कार के साथ रोशनी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। जैसे ही मंत्रोच्चार पूरा हुआ, प्रेत ने स्त्री देह को छोड़ दिया। रोशनी ने 2-1 बार पलके झपकाई और उसका शरीर टूटने लगा। एक दूर शक्ति उसकी देह से निकली और हवा में विलीन हो गई। उसने सिर को झटका दिया। होश में आते ही वो ऐसे छिटकी मानो कोई बिजली का नंगा तार छू लिया हो। पंडित जी, हाँ,
जीवन की आस छोड़ चुके आचार्य जी शैतान के चंगुल से आजाद होते ही किसी धोंकनी की तरह जोर जोर से सांस लेने लगे। मृत्यु के इतनी नजदीक जाकर वो सही सलामत वापस लौट आए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उनका सिर अब भी चकरा रहा था। उनका दिमाग हालांकि अभी स्थिर नहीं हो सका था, लेकिन इस समय ऑक्सीजन ही उनके लिए सबसे कीमती चीज थी। वो जल्द से जल्द प्राण वायु को अपने फेफड़ों में भर लेना चाहते थे। दम भरते हुए वो खांस पड़े। रोशनी ने जब सामने देखा तो उसे झेप लगी। निशंक, सरल और राजू उसे चकित नेत्रों से देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले जो खटा था उनकी आंखों में उसके निशान अब भी बाकी थे। इन लोगों के सामने वो अर्धनग्न अवस्था में खड़ी है। इसका आभास होते ही रोशनी जल्दी जल्दी अपने साड़ी समेटने लगी। जितना बन पड़ा अपने कम नियव शरीर को उसने हड़बड़ी में साड़ी की मदद से ढक लिया। उसकी धड़कनें धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में लौट रही थी। उसे बदन में अभी तक कंपन हो रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कोई रेल धड़धड़ाती हुई गुजरी हो और पटरियां थरथरा रही हुई। रोशनी, तुम ठीक तो हो? सरल उठने को हुआ तभी आचार्य जी ने टोक दिया, बैठे रहिए अपनी जगह पर, प्रेत गया नहीं है, अभी है वो इसी कमरे में। उसे कुछ देर के लिए बांध भले ही दिया गया है, लेकिन वो पलटवार कर सकता है। सरल किसी आज्ञाकारी बच्चे की भांति अपनी जगह पर वापस बैठ गया। राजू ने अपने दोनों हाथ उसकी बांह में लपेट दिए। बहू, जाओ अंदर घेरे में जाओ। सहमी सी खड़ी रोशनी के कानों में आवाज पड़ते ही जैसे उसमें जान आ गई। आचार्य की बात सुनते ही उसे याद आया कि वो अभी इसी कमरे में मौजूद है और उसके कमजोर शरीर पर दोबारा हमला हो सकता है। एक लंबी सांस खींचकर रोशनी ने अपना पहला कदम बढ़ाया था, लेकिन प्रेत के प्रकोप से टूटा उसका बदन डगमगाने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने नीरीह बछड़े की सी लाचारगी से आचार्य की तरफ देखा। नहीं चला जा रहा है। रोशनी धीमी आवाज में बोली। एक अक्षर उसके हलक में ही दबा रह गया। आचार्य जी कुछ सकुचाए। अजीब असमंजस की स्थिति है। कुछ देर पहले तक यही अवला उनका काल बनकर उनके गले में फंदा डाले हुई थी, लेकिन जीवन रक्षा आवश्यक है। कर्तव्य बोध ने भय को भूमिगत कर दिया। आचार्य ने फिर आवाज दी, रुको, आओ हमारे साथ चलो। आचार्य जी आगे बढ़कर रोशनी की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। रोशनी ने संकोचवश अपने बाएं हाथ को आचार्य के कंधे पर टिकाया और दूसरे हाथ से अपना पल्लू संभालकर सधे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगी। कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहेगा बुड्ढे? एक जोरदार गर्जना हुई। कहने की जरूरत नहीं कि ये किसकी ललकार है। कानों में ये आवाज पड़ते ही रोशनी चीख पड़ी, सबके सब चौकन्ने होकर छत की तरफ देखने लगे। वो मुझे हरा नहीं सकता, अगर तो कब तक ये स्वांग रस्ता रहेगा? या तो परास्त कर मुझे या पराजय स्वीकार कर ले। मैं अभिजीत हूँ, अमेद हूँ, अकाट्य हूँ। कोई काट नहीं है मेरा, कोई तोड़ नहीं है। एक एक शब्द में मानो मन का वजन था। कभी लगता था धनुष की टंकार हो रही है, कभी लगता जैसे कोई नगाड़े पीट रहा हो। जब तक ये आकाशवाणी पूरी होती रोशनी सकुशल घेरे के अंदर पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान थी और बदन में भारीपन था। इसके अलावा उसे दूसरी कोई हानि नहीं हुई थी। ब्रेत के चेतावनी सुनकर आचार्य बाहर ही खड़े रह गए थे। ललकार की अनुगुंज अभी तक उस बंद कमरे में गूंज रही थी। आचार्य ने चुनौती भरे शब्दों में पलटकर जवाब दिया, गजेंद्र, तुझे जितना पाप करने थे तूने कर लिया। रोशनी को जितना कष्ट तू दे सकता था दे चुका। स्त्री देह को ढाल बनाकर तूने बहुत उत्पात कर लिया। सामर्थ्य की सीमा तू लांग चुका है मूर्ख। शास्त्री जी क्रोधवश थर थर कांप रहे थे।
अब तेरा समय समाप्त हो चुका है, अब मैं तेरा तर्पण कर दूंगा। मैंने बहुत से भटकती आत्माओं को प्रेत योनि से मुक्त दिलाई है, कोई इतनी आसानी से मुक्त होना नहीं चाहता। सब मेरे मंत्र पाश से छुटने के लिए हाथ पैर मारते हैं, सर पटकते हैं, कोई रोता है, कोई चीखता है, कोई उल्टियां करता है, मगर तूने जो किया वो कोई नहीं करता। तूने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया है, बलात्कार किया है, तूने अपने घर की लक्ष्मी के साथ बलात्कार किया है, नीच। आचार्य जी की बातें सुनकर अंदर बैठी रोशनी को अपनी शारीरिक और मानसिक यंत्रणा का ध्यान हो आया। उसकी खुली पीठ पर अनगिनत चींटियां रेंगने लगी। अत्याचार की बातें सुनकर हताश परेशान रोशनी फिर से सिसकने लग गई। राजू जो उसकी गोद में दुबक कर बैठा था, इन बातों का मतलब जाने बिना अपनी माता के आंसू पोंछने लगा। बगल में बैठे सरल ने उसे संभल दिया। तो करना बुढ़े, करना जो करना है। मैं भी तो तब से इसी फिराक में बैठा हूँ कि तू भी जरा अपनी जोर आजमाइश कर ले, लगा के देख अपना बल। तू भी जरा हाथ खोल और दो चार सर्कस के खेल दिखा बच्चों को, जो कि आस बंधा के बिठाया है ना इस गधे को। अपने लिए ऐसा संबोधन सुनकर सरल कुछ झेप गया। लेकिन तू है कि इसे कुछ होता ही नहीं, तब से केवल गुड़कियां दिए जा रहा है। लगता है अब तेरी बूढ़ी हड्डियों में कुछ जान नहीं बची। अगर कुछ शक्ति शेष होती तो अभी तक एक आध का दब दिखला ही चुका होता। अगर तुझसे कुछ नहीं होता तो बोल, फिर मैं ही कुछ कमाल दिखाऊं। इससे पहले कि शास्त्री प्रत्युत्तर में कुछ बोल पाते, कमरे में अचानक से हवा का बवंडर उठने लगा। प्रकाश का एकमात्र साधन वो पीला बल्ब टिमटिमाने लगा। कमरे में रखी सारी चीजें स्थिर थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग अपनी जगह पर डोलने लगे। ऐसा लगता था मानो भूकंप के झटके लग रहे हों। आचार्य समझ गए ये किसकी करामत है। राजू सहन कर अपनी माँ से चिपटने को हुआ कि सहसा रोशनी की हल्की चीख निकल गई, और कोई कुछ समझता इससे पहले ही वो गोद में राजू के लिए अपनी जगह पर बैठे बैठे पीछे की तरफ पलट गई। राजू ने फिर भी माँ का बदन नहीं छोड़ा। सरल उसे उठाने को हुआ कि तभी उसका पल्लू हवा में उठने लगा। सब लोग हैरानी से देखने लगे। देखने वालों का ये आभास होता था जैसे कोई पल्लू को ऊपर की तरफ खींच रहा है। रोशनी ने एक हाथ से राजू को दबाकर दूसरे हाथ से पल्लू को अपने तरफ खींचा। हवा तेज हो गई और एकाएक रोशनी पल्लू के साथ खुद भी हवा में उठने लगी। राजू दहाड़ मार कर रोने लगा। आखिरकार रोशनी को अपना पल्लू नियति के हाथों में छोड़ना ही पड़ा। इस घटना के बाद तो सरल जैसे नींद से जगा हो, और वो लपक कर साड़ी के उस उर्दगामी टुकड़े को पकड़ने लगा। नतीजा सिफर। रोशनी के बदन से साड़ी कमतर होती रही और बदस्तूर हवा में ऊपर उठती रही। अब कमरे का दृश्य कुछ ऐसा था कि बल्ब की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी थी। हवा के झंकोड़े सनसनी मचा रहे थे। हवन कुंड की अग्नि घृतादि की अधिकता के बावजूद लपलपाने लग गई थी। मजबूत देह इष्टि वाले सरल के बदन का लगभग आधा भाग हवा में लटका हुआ था और रोशनी जमीन पर लोट रही थी। निशंक मंत्रबद्ध होने के चलते अपनी जगह छोड़ने में असमर्थ थे और आचार्य जी लाचारगी में बाहर खड़े मुंह ताक रहे थे। निशंक, आचार्य हड़बड़ी में चीखे, बेटे वो नारियल मेरी तरफ उछालो। निशंक विवश होकर ये प्रेत लीला देख रहे थे। पिता का आदेश कानों में पड़ते ही उनके बदन में बिजली दौड़ पड़ी। उन्होंने फौरन गुंड के पास रखा नारियल उठाया और उसे अग्नि की परिक्रमा करके सीधा अपने पिता की तरफ उछाल दिया। घेरे के बीच से होता हुआ नारियल का वो गोला वायु वेग से आचार्य की तरफ बढ़ा। ये एक क्षणिक क्रिया थी, लेकिन वो सिद्ध नारियल अपनी मंजिल तक पहुंच पाता इससे पहले ही एक अनिश्चित घटना घटी। घेरे को पार करते ही वो नारियल जमीन में से कुछ ऊपर हवा में स्थिर हो गया। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसे डोरी के सहारे हवा में लटका दिया हो। आचार्य और खुद निशंग भी ये देखकर दंग रह गए। प्रेत अब आगे क्या करेगा।
आचार्य अपनी आंखों के बीचों बीच नारियल के एक गोले को बगैर किसी सहारे के झूलते हुए देख रहे थे। बाज की फुर्ती से वो नारियल की तरफ लपके कि ठीक तभी नारियल में हरकत हुई और वो उड़ता हुआ सीधा आकर उनके सर पे आ लड़ा। एक जबरदस्त टक्कर के साथ नारियल फूट गया और आचार्य के झुर्रीदार माथे से खून की धारा बह निकली। आचार्य श्यामलदास शास्त्री मारे दर्द के बिलबिला उठे, आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वो अपना चोटिल माथा पकड़कर आहिस्ता से जमीन पर बैठ गए। खून की दो मोटी धड़ाएं चेहरे को तर करते हुए नीचे गिरने लगी। रक्त प्लावित चेहरा पीला पड़ गया। 90 वर्ष की अवस्था में शरीर से इतना खून बह जाने से मौत भी हो सकती है। पिताजी, निशंक घबरा कर एक झटके में खड़े हो गए। बाप की ऐसी हालत बेटे के लिए असहज थी। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वो घेरे से बाहर की तरफ भागे। आज दिन भर के अनुष्ठान में ये घटना पहली बार हुई थी, वरना इसके पहले तक तो केवल रोशनी का या फिर प्रेत की ही चीख सुनाई पड़ी थी। आचार्य की चित्कार सुनकर प्रेत खिलखिलाने लगा। जले पर नमक छिड़कते हुए वही आवाज दोबारा गूंजी, क्या बे बुढ़ाऊ, अब कैसे मजा आ रहा है? अपने सर पे फूटा तो नानी याद आ रही है। तू तो अभी मेरा उद्धार करने वाला था, कर चुका उद्धार मेरा या कोई और इच्छा शेष है अभी? हराम जादी। निशंक पिता को संभालते हुए गर्जा, इधर आ मुझसे लड़। बूढ़े लाचार आदमी पर क्या अपनी शक्ति आजमा रहा है? कहाँ है तू? सामने आ, देख तो लूं तेरा कुरूप चेहरा। नामर्द है तू, पूरा नामर्द है। अपने घर की औरतों पर बूढ़ी नजर डालने वाला राक्षस है तू। तू जैसा नीच, तू जैसा पापी कहीं नहीं होता। तू सचमुच इसी योनि में भटकने लायक है। नामर्द नहीं बोल साले। कमरे में एकाएक भयानक गर्जना हुई, तरतराहट के साथ बिजली चमकी ही जैसे। उस चेतावनी में क्रोध था, अकुलाहट था। ऐसा लगा जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। पुरुष के पड़ोस पर सवाल उठता है तो वो भड़क ही जाता है। मर्द को भिखारी कह लो, चाहे बेईमान या चोर उचक्का भी कह डालो तो एक बार को सह लेगा, लेकिन कोई उसे नामर्द कह दे, ये मर्द से कतई बर्दाश्त नहीं होता। नामर्द बोल कैसे दिया तूने? देखना चाहता है मुझे? देख ले, मौत दिखलाई तो नहीं देती, पर तुझे जरूर दिखेगी। अपने यमदूत को अपनी आंखों से देख ले निशान। सभी लोग चौंक कर आवाज की दिशा में ऊपर की तरफ देखने लगे। मौत की कोई शक्लो सूरत नहीं होती, मौत का ऐलान भी नहीं होता। किस क्षण काल किस दिशा से किस द्वार पर दस्तक देगा, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ तो लोगों को उसका इंतजार था, जिसकी गर्जना अभी तक कानों को सुन किए दे रही थी, जिसका विध्वंस सब लोग देख चुके थे। जो दूसरों के देह में इतना खतरनाक हो सकता है, वो मौत का परकाला साक्षात खड़ा होगा तो कितना भयकारी होगा। उसकी हुंकार सुनकर न केवल राजू और रोशनी बल्कि शरल का वदन भी थर्राने लगा। अगले ही पल विनाश होने वाला है। रात के 2 बज रहे हैं। इसी कमरे में वो प्रेत क्रोधवश चिंघारता घूम रहा है और कमरा बंद है। अब ये लोग अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके थे। ये कमरा अब मौत का कुआं बन चुका है। घेरे से बाहर 2 लोग खड़े हैं, एक घायल वृद्ध है और दूसरा प्रतिशोध की आग में जलता हुआ बेटा। इन्हीं दोनों के सहारे घर वालों ने ये मोर्चा खोला था और यही दोनों अभी सुरक्षा घेरे के बाहर एक रहस्यमय शक्ति के आगे बेबस खड़े हैं। घेरे के अंदर 3 निरीह प्राणी अपने सांसें थामे बैठे हुए हैं और इसी कमरे में अभी मौत का तांडव होने वाला है। घर के तीनों अभागे सदस्य चूहेदानी में फंसे चूहों जैसे छटपटा रहे हैं। सहसा उसी अभिशप्त दरवाजे के पास धुआं उठने लगा। पहले कुछ लकीरें बनी, फिर वो जगह कोहरे से भीगती चली गई।
घना धुंधला कोहरा, सबका खून सूख गया, सांसें हलक में अटक गई। अब सब कुछ नियति के हवाले है। सहसा धुंध की उस मोटी दीवार के बीचों बीच एक आकृति उभरने लगी। पहले तो उसका आकार एक बच्चे जितना था, फिर हर गुजरते सेकंड के साथ वो साया बढ़ता चला गया। उस आकृति की कद काठी अब एक औसत आदमी जितनी हो चुकी थी, लेकिन वो आदम कद साया अभी बदस्तूर बढ़ता जा रहा था। अगले ही क्षण वो छोटा सा बच्चा एक विशाल काय दानव में बदल गया। उसकी ऊंचाई अब छत को छू रही थी। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। धुंध में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह पर अंगारे दहक रहे थे। उसकी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। काला लंबा पिलर नुमा वो हैवान क्रोध में तपती लाल लाल आंखों से उन सबको ही ताके जा रहा था। उसके सामने अभी एक ऐसा विकराल प्रेत खड़ा था जिसका कल्पना भी मुश्किल है। यह उनके जीवन का पहला अजूबा था और शायद आखिरी भी। कमरे में उस समय मौजूद सभी लोगों के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो। सबके सब दहशत में डूबे हुए उसे एक टक देख रहे थे। रोशनी की जैसे मूर्छा टूटी हो, राक्षस का असल रूप देखते ही वो गला फाड़ कर चीख पड़ी। राजू सहम कर माँ के गोद में दुबक गया। उसे शायद यह भ्रम था कि माँ के आंचल में वो हैवान उसे देख नहीं पाएगा। आचार्य श्यामल दास शास्त्री जमीन पर पड़े विलाप कर रहे थे। माथे से रिसता हुआ लहू फर्श को तर किए दे रहा है। निशंक किसी खिलौने की तरह एक दैत्यकार भालू नमा दानव की बंद मुट्ठी में अपनी जान के लिए तड़प रहे हैं। खुद ही बाहर आ गई मैं। हाँ, अच्छा है, ये भी अच्छा है। वाह मेरी सविता, कितनी नेक सोच है तेरी। रोशनी के बदन से ओठ रही सुगंध का पान करते हुए वो बोला, एक नौ यवना के सुंदर सुकोमल बदन को सूंघते हुए वो राक्षस किसी भूखे कुत्ते जैसी आवाज निकाल कर रहा था। इस गुर्राहट से रोशनी के कान थर्रा उठे। उसकी गर्मा गर्म सांसें रोशनी की अध खुली पीठ पर किसी तीर की तरह चुभती थी। रोशनी को अपनी पीठ जलती हुई महसूस हुई। स्त्री देह को भोगने की लिप्सा में कुरूप दानव के भद्दे होठों से लार बह निकली, जो रोशनी के नंगे कंधे पर टप से चू पड़ी। ये काम बड़ा अच्छा किया तूने मेरी रानी, खुद ब खुद चलकर मेरे पास चली आई। देखा ना तूने, तूने देखा ना क्या हश्र किया मैंने तेरे मसीहा का। इन्हीं पाखंडियों के सहारे बैठी थी ना तू, ये देख। इतना बोलकर प्रेत ने अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठा दिए। उसकी एक मुट्ठी में मरणासन्न अवस्था में झूलता हुआ निशंक और दूसरे हाथ में सरल था, जो खुद को आजाद करने की जद्दोजहद कर रहा था। ये बेचारे तो खुद अपनी जान की भीख मांग रहे हैं मुझसे। तेरी एक युक्ति से अगर इन तीनों का जान बच जाती है तो फिर तेरा सोचना भी सही है। मुझे तेरी ऐसा तो मंजूर है। अभी तक तो मैं तेरा इच्छा के विरुद्ध तेरा बलात्कार करता आया हूँ, लेकिन अब जो तूने घुटने टेक दिए हैं, अब मैं तेरी सहमति से तेरा साथ समागम करूंगा। ऐसा चाहे कितनी भी कलाएं दिखला ले, पत्नी का आनंद तो पत्नी ही दे सकती है। सही समय पर तुझे अकल आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। इधर आ, इधर तो केवल भोग होता था, अब जाकर सही मायनों में संभोग होगा। मेरे नजदीक आओ, मेरे दिल में आओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तेरे रस भरे बदन से। ऐसा मालूम होता है कि तू काम के लिए
तन और मन दोनों से तैयार हो चुकी है। भालू जैसे सकलो शोरत वाले उस बिभत्स जानवर ने अपने फटे होंठों पर अपनी लंबी खुरदरी जीभ फिराई, फिर थूक निगलते हुए प्रणय निवेदन किया, मेरे आगोश में आकर जरा मुझ में अपना प्यार लुटा दे जाने मन। इतना कहकर 15 फुट के उस दरिंद्र ने अपनी अनामिका के नुकीले नाखून को हल्का सा झटका दिया और रोशनी के कंधे पर टंगा पल्लू उसके मांसल बांह से फिसलते हुए नीचे आ गिरा। बल्ब के मंद प्रकाश में रोशनी का यौवन नुमाया हो उठा। उसका चांद सा चेहरा बुझ गया था। उसके मृग नैन भावी आशंकाओं से बारंबार मुंधे जाते थे। सीने पर तने लो कट ब्लाउज में उसका बादामी वक्षस्थल चमक रहा था, किसी अट्टालिका के गुंबद की तरह छाती की मदमस्त गोलियां उसके नीले ब्लाउज की कसावट से उतरकर चिकने पेट को छूते हुए ओझल हो गई थी। रोशनी के भरे पूरे बदन का ये उतार चढ़ाव किसी ज्वार भाटे का आभास दे रहा था। उसकी सफेद सपाट कमर पर गोलाकार नाभि ऐसी प्रतीत होती थी जैसे किसी विशाल विस्तृत भूभाग पर सुदूर कहीं एक जलकुंड निकल आया हो। उसकी टांगे कपकपा रही थी, तलवे में पसीने छूटने लगे थे। ये तो वो एक निर्भीक स्त्री थी, लेकिन आज वो एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ी थी जो ना तो इंसान था और ना ही जानवर। दरिंदा अब से पहले भी कई मर्तबा उसके नाजुक बदन को रेंग चुका है, वो भी तब जब उसकी इच्छा नहीं थी। अब तो उसने खुद को जानबूझकर मौत के कुएं में धकेल दिया है। इस दरिंदे की भीमकाय देह को देखकर तो यही लगता है कि आज ये उसके शरीर की एक एक कोशिका को फूल की नर्म पंखुड़ियों जैसे मसल कर रख देगा। उसका रोम रोम आतंक से थर्रा रहा था। नवंबर के महीने और रात के 2:30 बज रहे थे। खिड़कियों से आ रही गलन भरी हवा उसके खुले बदन को मक्खन की तरह कांटे दे रही थी। दहशत के मारे उसकी सांसें धोखनी सी चलने लगी और ये कंपन उसके उभारों से होता हुआ उसके मखमली पेट पर थिरकने लगा। रोशनी बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी चेतना का लोप हो चुका था, लेकिन जैसे ही पल्लू गिरा वो जैसे नींद से जाग गई। पहले इन दोनों को नीचे रखो, इस पर हमारी बात हो चुकी है, मैं ये कंडीशन पहले ही बता चुकी हूं, रोशनी ने थूक निगलते हुए कहा। याद है मुझे, ये ले, रख दिया नीचे। इतना बोलकर उस शैतान ने अपनी दोनों मुट्ठियां खोल दी। दोनों हतभागी पके आम की तरह टप से चू पड़े। मैं यहां सेक्स नहीं करूंगी, यहां मेरा बेटा बैठा है, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद मेरा बेटा मुझे एक। रोशनी कुछ सोच कर दहल गई। मुझे गंदी नजर से देखे, मैं फिर जिंदगी भर उसे आंख नहीं मिला पाऊंगी। तुम्हें मैंने ही आजाद किया था ना वहां से। उसने गलियारे की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ संकेत किया। चलो वहीं पर, वहां तुम्हें जो कुछ भी जैसा भी करना होगा कर लेना। रोशनी एक सांस में सब कुछ बोल गई, ये जानते हुए भी कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। मर्द और औरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बावजूद इसके इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अंबर मेघों के जरिए ऊपर से अपना प्रेम उड़ेरता है, तब कहीं जाकर नीचे धरती पर हरियाली पनपती है। ये दोनों ही इस सृष्टि की दो सबसे खूबसूरत रचनाएं हैं। ये कुदरत की देन है कि मर्द शारीरिक तौर पर एक औरत से अधिक ताकतवर होता है, जबकि एक औरत भावनात्मक तौर पर मर्द से कहीं मजबूत होती है। पुरुष आवेश का समंदर है तो स्त्री भावनाओं का सैलाब। एक स्त्री चाहे बल में किसी पुरुष का मुकाबला न कर सके, पर उसके पास ऐसी नियामत मौजूद है कि जिससे वो एक साथ 100-100 पुरुषों को अपना दीवाना बना सकती है, अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है,
अपने इशारों पर नचा सकती है। गजेंद्र को परास्त करने के अभी तक जितने प्रयास किए गए सारे निष्फल रहे। सुरक्षा घेरे के होने से बस इतनी सहूलियत है कि उसने अंदर बैठे लोगों पर कोई प्राणघाती हमला नहीं किया। अभी तक जो कुछ भी तमाशा तो बहुत छोटा शब्द है, जो भी विनाश उसने किया है उसे रोशनी ने न केवल अपनी आंखों से देखा है बल्कि अपनी देह पर झेल भी चुका है। कोई हमारा जबरन एक बाल भी खींच ले तो दर्द होता है। नाखून काटते वक्त बीच में चमड़ी आ जाए तो जान निकल जाती है। एक मच्छर के काटने से भी कैसी चुभन होती है, इंसान बिलबिला उठता है। जरा सोच कर देखिए कि एक प्रेत किसी स्त्री की वासना में अंधा है। उसके देह को भोगने के लिए पिछले कितने दशकों से वो आजाद होने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने लंबे इंतजार के बाद जब वो नारी उसे मिलेगी तो उस अबला का क्या हश होगा, उस बेबस औरत के शरीर की कैसी दुर्दशा होगी। अपनी वासना तृप्ति के लिए ही वो प्रेत जिसकी शक्तियों का तोड़ इंसानों के पास है ही नहीं, वो प्रेत एक जवान खूबसूरत औरत का क्या हाल करेगा। बलात्कार कितना वह कितना दर्दनाक होता है उसकी कल्पना भी मुश्किल है। पिछले 32 घंटों के भीतर ही रोशनी का आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका है। उसकी आत्मा भीतर तक छिल चुकी है। उसके बदन का पोर पोर बेतरह टूट रहा है। उसके बेटे उसके पति की आंखों के सामने उस प्रेत ने रोशनी की देह से अपनी हवस मिटाई। ने कभी सपने में भी इस दिन की कल्पना नहीं की होगी। सभी ने यह प्लान किया था कि रोशनी को मोहरा बनाकर प्रेत को बांध लेंगे, मगर ये जो लोग उसे मुक्ति दिलाने का वादा करके इस कमरे में लाए थे, इस समय वो खुद उसके रहमो करम पर जिंदा है। रोशनी केवल अपना शरीर देकर ही इन तीनों की जान बचा सकती है। नियति को अगर यही मंजूर है तो रोशनी अपना बदन न्यौछावर कर देगी। ये जानते हुए भी कि इस फैसले का हर्ष क्या होगा, उसने अपनी इच्छा से अपना बदन इस दुष्ट के हाथों में सौंप दिया है। ललचाई नजरों से वो हैवान उसके दमकते बदन को घूर रहा है। भावी अनिष्ट की आशंका से रोशनी सिसक उठी। रोशनी की ऊंचाई तक आने के लिए वो शैतान सहसा अपने घुटनों के बल बैठ गया। फर्श दहल उठा जैसे किसी भारी भरकम खंभे को लाकर एक बार की जमीन पर पटक दिया गया हो, लेकिन अब भी वो रोशनी से काफी ऊंचा था। जो गुप्तसा से भरकर रोशनी ने उसकी तरफ देखा, उस दानव की आंखें वासना से आसक्त थी। रोशनी ने देखा कि उसका मुंह हल्का सा खुला और उसकी जबान मुख से बाहर निकलकर मचलने लगी। जबान का अगला हिस्सा किसी भोजन की भांति दो भागों में विभक्त था। स्त्री देह की लोलुपता में उसकी लार टपक की जा रही थी और टप टप करके रोशनी के आगे ही गिर रही थी। रोशनी को उबकाई आने लगी, लेकिन जैसे ही घृणा कर उसने मुंह फेरने की कोशिश की, अचानक उस दानव ने अपनी सरपीली जबान से उसका गाल पर धावा बोल दिया। कुछ तो उसकी गीली जबान और कुछ रोशनी के रुई नमा गाल जबान बिना किसी अवरोध के उसके पूरे गाल को मसलते हुए उसके बाएं कान की लोक को छू कर निकल गई। रोशनी को जैसे करंट लग गया हो, किसी ने मक्खन की बट्टी पर गर्मा गर्म छोड़ी फेर दी हो जैसे। वो सर से पांव तक कांप उठी। इस निशाचर के जबान की गर्मी ने उसके तन बदन में आग लगा दी। उसे अपने बाएं गाल पर कुछ चिपचिपाहट का अनुभव हुआ। यहां तुम कुछ नहीं करोगे, मैंने कहा ना, रोशनी बिना डरे उन डरावनी आंखों में झांक कर बोली। वो जानती है कि कमजोर नस अब उसके पकड़ में आ गई है। एक हुंकार उसके अंदर से उठी, सांसों के जरिए बाहर निकल आई। अभी वो बिल्कुल शांत था और इत्मीनान से इस विलासिनी के यौवन का भोग करना चाहता था। बोलकर वो ये मजा किरकिरा नहीं कर सकता।
किसी अजगर की तरह उसकी दोनों भुजाएं आगे बढ़ने लगी और अगले ही क्षण उसने रोशनी की अपनी बाहु पास में कस लिया। अचानक ही रोशनी का चेहरा बालों से ढकी उसकी फौलादी छाती में रगर खाने लगी। रोशनी साफ साफ उसकी धड़कन सुन सकती है, जैसे कोई गेंडा लोहे के पिंजरे पर टक्करे मार रहा हो। उसकी गुर्राहट अब छीन होकर गुर्राहट में बदल चुकी थी। यह आवाज उसके सीने से उठ रही थी और कंठ के ऊपरी हिस्से में आकर खत्म हो रही थी। स्त्री देह के उस मां को अपने अंदर जज्ब कर सके, इसके लिए उस राक्षस ने अभी अपना मुंह बंद कर रखा था, जिसकी वजह से उसकी गरगराहट उसके सीने में ही गूंज रही थी। अभी वो खुद को इस जंजाल से मुक्त कर पाती इससे पहले ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर हवा में उठता जा रहा है। उसके नंगे पैरों के नीचे अब फर्श की ठंडक नहीं थी, बल्कि हवा की गुदगुदी थी। उसकी देह का समूचा भार उस हैवान के सीने पर था और उसका यौवन अब किसी पर पुरुष नहीं, नहीं किसी खूंखार दानव के हाथों में छटपटा रहा था। एक पत्नी के रूप में उसकी ये इच्छा रही है कि उसका पति प्रेमवश उसे यूं ही गोद में उठा लेता, लेकिन देखिए कि इस इच्छा की परिणति आज किस रूप में हो रही है। रोशनी कुछ बोलना चाहती थी पर उसकी आवाज एक फौलादी सीने में घुटी घुटी जा रही है। एक जोरी बलशाली हाथों ने उसे अपने आगोश में जकड़ रखा है। ऊपर से छूटती गर्म सांसें उसके दाहिने कंधे को धक्का रही है। वो इस सच्चाई को एक दुःस्वप्न समझकर भुला देना चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी जाने क्यों वो अपने भीतर घृणा पैदा नहीं कर पा रही। ये कैसा मादक माया जाल है, ये कैसी रूहानी ताकत है जो उसकी देह को बींधे जा रही है, पर उसे दर्द नहीं हो रहा। उसका बदन इस राक्षस की बाहों में टूट रहा है। उसे ये अच्छा क्यों लगने लगा है? इसी धक्का मुक्की के दौरान अचानक उसकी ब्लाउज का ऊपरी बटन खट के आवाज के साथ टूट गया। अब वो थोड़ी और निर्वस्त्र हो चुकी है। उसकी मांसल उरोज इस रति मर्दन से घबरा कर बाहर निकल आने की जल्दी में है। उसका खूबसूरत कला, उज्जवल कपोत, उसका मखमली पेट, सब कुछ बालू से आच्छादित किसी चट्टान भर धसा जा रहा है। पर उसे ये सब कुछ इतना मदहोश क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, ये इसी शैतान का तिलिश्मी है कोई। उसने अपने सिर को झटका, तभी शैतान ने अपना दाहिना पैर बढ़ाया और भारी भारी कदमों से रोशनी को लेकर उसी अभिशप्त कमरे की ओर चल पड़ा। अब क्या होगा? आखिर रोशनी की गति क्या होगी? आने वाले पलों में उसकी देह का क्या हश्र होगा? रोशनी अब इस पर ज्यादा नहीं सोच रही। जब ओखल में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना। खींचो सरल, शास्त्री जी की बुरी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। हद से खींचो निशंक बेटे, छोड़ना नहीं। प्रेत कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके भीम काय देह के गिर्द रक्षा सूत्र के अनगिनत फेरे पड़ चुके थे। धोखा, धोखा, बुढ़े, मैंने तेरी जान बख्श दी थी और तू मेरा ही बंदोबस्त करने चला है, हरामखोर कीड़े। मैथुन रथ कोई शेर जैसे छेड़ देने पर भड़क उठता है, प्रेत ने ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया की। इस विघ्न से क्रोधित होकर वो चिंघार उठा। जब तक वो पलटता, अभिमंत्रित रक्षा सूत्र के कई घेरे उसके देह से लिपट चुके थे। किसी बोल्डर की मानिंद बड़ी मुश्किल से वो घूमा और रोशनी को जमीन से कुछ ऊपर ही छोड़ दिया। रोशनी भर भरा कर नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरते ही रोशनी हाँफने लगी। वो जमीन पर आ तो चुकी है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर लौटने में अभी उसे थोड़ा समय लगेगा। सिर जब घुमाकर कुछ स्थिर हुआ तब उसने देखा कि जिन बाहों ने अभी तक उसे अपने सिकंजे में कस रखा था, अब वो खुद आजाद होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। सीने पर ठंडक लगते ही उसे ध्यान आया कि वो ऊपरी तौर पर नंगी है
उसने झट से अपने अध खुले सीने पर सारी का पल्लू कसकर लपेट लिया। इतना ताकतवर जानवर और इतनी कमजोर धागे से बंधा जा रहा है, जिसे शैतान ने अभी इन दोनों आदमियों को इकट्ठा टांग लिया था। मैं जिसके आगोश में अभी छटपटा रही थी, उसे ये धागा नहीं तोड़ा जा रहा। रोशनी ने जल्दी जल्दी दम भरते हुए सोचा। उसे अब पूरा माजरा समझ में आ गया था। रोशनी ने प्रेत का ध्यान बांटा और मौका पाते ही शास्त्री जी ने निशंक और सरल की मदद से इस पर रक्षा सूत्र का फंदा डाल दिया है। मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वो भारी भरकम दैत्य हुंकारता हुआ नीचे जमीन पर गिर पड़ा और इस सिकंजे से छूटने के लिए छटपटाने लगा। रोशनी, शास्त्री जी ने उसे आवाज दी। रोशनी, शास्त्री जी ने उसे आवाज दी, ये सोचने का समय नहीं है, जल्दी से दौड़कर वो नारियल उठा लाओ और लाकर इस हरामजादे के सिर पर फोड़ दो। रोशनी ने ध्यान दिया। सर पर लगी चोट के बावजूद शास्त्री जी बड़ी फुर्ती से काम कर रहे हैं। उझट से उठी और दौड़कर नारियल ले आई। खरी क्या हो, मारो इसके सर पर, सरल ने लगभग डांटते हुए कहा। छोड़ मुझे बुढ़े, छोड़ दे। दानव फर्श पर लोट लोट कर अपनी जान की भीख मांगने लगा था। कातर आंखों से उसने रोशनी को देखा। रोशनी कुछ विचलित जान पड़ी। ये देखकर निशंक चिल्लाए, तुम्हें मोहित करने की कोशिश कर रहा है रोशनी, मारो जल्दी। रोशनी ने एक लंबी सांस खींचकर नारियल उस दानव के सर पर पटक दिया। जैसे नवरात्रि में नारियल फोड़ती है, वो ठीक वैसे ही। समय देखो क्या हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में दुष्टात्मा कमजोर हो जाती है। तुमने उसका ध्यान बटाकर बड़ा बहादुरी का काम किया, वरना उस समय उसकी शक्तियां हमारे बस की नहीं थी। आचार्य जी चाय का घूंट भरकर बोले। सुबह के 6 बज रहे हैं। घर के सभी लोग और दोनों आचार्य नवंबर की सर्दी में नहा धोकर अब चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। बाहर एक नई सुबह खिल गई है। पूर्व दिशा में एक नया सूरज चमक रहा है। चिड़िया उसके इस्तकबाल में स्वागत गान गा रही है। असमीर सूर्य की रश्मियों के बावजूद वातावरण की सिहरन पैदा कर रहा है। कुसुम आंखें मल रहे हैं। अब इस लोटे का क्या करें महाराज जी, ने राजू के बाल सहलाते हुए तांबे के एक लोटे की बाबत पूछा। इसको, निशंक ने सवालिया निगाहों से सरल को देखा, फिर अपनी जगह से कुछ आगे खिसक आए। इसे ले जाकर गंगा के किसी निर्जन तट पर दफन कर देंगे। निशंक शास्त्री ने एक लंबी सांस ली। गई रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। उन्हें शायद अभी इसका यकीन नहीं हो रहा कि उस खौफनाक मुठभेड़ के बाद वे सभी लोग सही सलामत बचकर निकल आए हैं। उनकी मौत का पर काला वो दानव आकर अजूबा तांबे की एक छोटी सी लुटिया में बंद पड़ा है, किसी ऐसी जगह पर जहां कोई इसे दोबारा ना पा सके। इस लौटे में साक्षात मृत्यु कैद है सरल बाबू। अब ये किसी और के गले नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर ये आजाद हुआ तो हम सब के सब फिर लोटे में आ जाएंगे। उनकी आंखें आतंकित थी, जो इस बात की तस्दीक करता है कि वो लोग मौत को छूकर टक से वापस निकल आए हैं। हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे थे आरजी पलेवी पॉडकास्ट में सत्यदीप त्रिवेदी जी की लिखी हुई बंद दरवाजा और अतृप्त वासना का लास्ट एपिसोड। दोस्तों
लास्ट एपिसोड बहुत ही लंबी हुई, आशा करती हूँ आप लोगों को इस तरह की लॉन्ग स्टोरीज भी पसंद आती है। तो अगर पसंद आती है मेरा ये चैनल, मेरा ये कहानी, मेरी स्टोरीज, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई मैंने वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और एक लाइक और कॉमेंट जरूर करिएगा, करना मत भूलिएगा प्लीज। हाँ, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो बाबू बता देती हूँ, ये जो लोटा है ना उसको मैं छोड़ दूंगी आप लोगों के पास, फिर समझिए आप लोग क्या होने वाला है। नहीं नहीं, जस्ट ए जोक, जोक मारा मैंने, प्लीज ये जोक ही समझिए, हाँ सच में नहीं है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की कहानी मैं लेते आऊंगी। और हाँ, मेरा जो मैं जो कहानी शुरू होने से पहले आप लोग से कहा था, मैं अपडेट दूंगी मेरा नेक्स्ट कहानी के बारे में। तो मेरी नेक्स्ट कहानी, दो कहानी है, यानी कि एक कहानी एक ही मैंने पढ़ जाएगी, यानी एक ही कहानी एक ही एपिसोड में होगा, वो है रिंकेश जी की एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर एडवेंचरस कहानी, हॉरर नहीं है लेकिन हाँ थ्रिलर सस्पेंस वाला कहानी है, तो पसंद है तो सुनिएगा जरूर। और हाँ, नेक्स्ट वीक में आने वाला है एक और धमाकेदार वेब सीरीज, जो कि बहुत ही न्यू है और न्यू है, और आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा एकदम श्योर गारंटी। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल में, न्यू है और अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ऑडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू कहानी के साथ, न्यू स्टोरीज के साथ। तब तक हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय।